यार एकदम टूरिस्ट प्लेस, एकदम भगवान के दर्शन में आई है। गाना का कुछ और, गाना का देवी का पता है तो देवी का गाना का। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ हम तो पूरा ऊपर ले जाएंगे, स्कूटी चलाने का ये फायदा है। वो देखो गाइस, भालू क्या बैठा हुआ है। गाइस क्या बैठा हुआ है, देखो आप। तो ये तैयारी चल रहा है, आज हम लोग जा रहे हैं चंडी भगवान के दर्शन के लिए, और ये हमारा पहला ब्लॉग होने वाला है शादी के बाद। मैं नहीं आ रही हूँ, आ रही है इधर। सुबह हील वाल पहन के भी चलना ना। नहीं अरे इसीलिए तो मेरा फ्लैट वाला मेरे कितना अच्छा है। ये मेरे को हटा दो, ये देखो हमारी फोटो झाक रहा है बोलेंगे। अरे मम्मी मेरा चप ओ दे पड़ा है यार, समझ आया। मुझे मेरा सैंडल नहीं मिल रहा था इसलिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। आप चप्पल मिलने की खुशी में स्माइल टंग निकालते। और अभी हम खरिया रोड से बस अब निकलने ही वाला है, और यहाँ से चंडी माता का जो मंदिर है वो है करीबन 25 किलोमीटर होगा। मुझे भी एक्यूरेट मालूम नहीं है, बट 25 किलोमीटर होगा, क्योंकि अपने को बागबाहरा जाना है। 25 के ऊपर ही होगा लगता है, क्योंकि 25 तो हमारा बागबाहरा होता है। और हम आ रहे हैं स्कूटी में, और पीछे पीछे हमारे दोनों बहन और दोनों जीजू मेरे, वो दोनों आ रहे हैं अपने कार में, क्योंकि कार भी बहुत ज़्यादा छोटा है। और हमारे गाड़ी को, अगर आपको मालूम होगा, हमारा भी गाड़ी बुकिंग हो चुका है, बट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो हमको स्कूटी में ही घूमना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉगिंग भी हो जाएगा। तो ये हम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए, और ये आगे जो आपको ऑल्टो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरे मेरे चीचू दोनों और दोनों बहन बैठे हुए हैं। तो चलो हम भी दौड़ाते हैं थोड़ा गाड़ी और ओवरटेक किया जाए। और अभी टाइम हुआ है आपका 4:15 हुए, हमको 5 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि भालू आने का टाइम है 5:30 को भालू आ जाता है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम मिलता है। ये जोग नदी है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर है। तो ये जोग नदी का आधा आता है उड़ीसा में, आधा आता है छत्तीसगढ़। तो हमारा आना जाना बना रहता है गाइस, इसलिए हमारे चैनल का नाम है ओडीसी जी ब्लॉग। तो यहाँ पे आप देखो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्वागत है, ऊपर लिखा हुआ है। यार इन लोग तो बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे निकल गए भाई। बहुत दूर बाकी है भाई, अभी बागबाहरा नहीं पहुंचे हैं, बागबाहरा से लेफ्ट में देंगे, और अभी बागबाहरा बहुत दूर है।
देखो गाइस, ये रोड देख तू। पे लेफ्ट कटना है क्या? तो गाइस यहाँ पे अपने को लेफ्ट कटना है, यहाँ पे चंडी के लिए आपको लेफ्ट कटने पड़ेंगे। और चलो यहाँ से और आपको 15 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। चलो आपको दिखा देता हूँ मैं, 15 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 10 किलोमीटर होंगे। तो ये है कुछ रूट आपका। आवाज में दम नहीं तो मछली देखो गाइस, माँ कसम एक नंबर है, एक नंबर यार, दबा के मछली है भाई। हमारे घर में बनाते नहीं है यार, क्या करें बताओ, बहुत महकता है ना। अब ये आई है तो बनाएगी, मम्मी तो खाती नहीं है, पापा भी नहीं खाते, अकेले मैं ही हूँ। बागबाहरा भी आ गए ना गाइस, तो आप ऐसा तो नहीं है कि बिना पूछे तो आप कभी चंडी मंदिर पहुँच पाओगे नहीं। हम तो पहले भी आ चुके हैं करके हम पहुँच गए, बट अगर आप पहली बार आओगे ना तो यहाँ के लोगों को पूछोगे तो वो भी बता देंगे आपको, दिक्कत तो कुछ भी नहीं होने वाले। और अगर आपको नवरात्रि के टाइम में चंडी मंदिर का जो माहौल था वो अगर आपको देखना है, मतलब यार क्या ही बताऊँ, 1-2 किलोमीटर तक मेला बैठा हुआ था, उसका भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हुए अब तक, तो वो भी आप जाकर देख लेना। तावड़ तोड़ माहौल था नवरात्रि के टाइम में। तो ये देखो आप, ये नज़ारा देखो आप, आई लव बागबाहरा। यही पहाड़ों के बीच अपने को जाना है। और ये पूरा का पूरा पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा चंडी पहाड़ है, जहाँ पे करीबन 8 या 10 भालू रहते हैं यहाँ पे, और सारे के सारे इंसानों को कोई कुछ भी नहीं करता, सारे आते हैं रोज मंदिर दर्शन के लिए चंडी माता का। और अगर हमारे किस्मत में होगा तो आज भी आएंगे, आपको दिखाऊंगा वीडियो पे। तो चलो अभी ये देखो आप, ये जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ है ये वाला, ये है चंडी माता के मंदिर उधर है ऊपर। और एक सेल्फी ले लिया जाए, रुक जा, आगे गाड़ी खड़ा है। मार दे छोरी दिल में गोली, ले ले मेरी जान, मार दे छोरी दिल में गोली, ले ले मेरी जान। देखो गाइस, हम लोग जब नवरात्रि के टाइम में आए थे तो गाड़ी उधर पार्क किए थे, यहां से लेके वो अंदर तक पूरा का पूरा मेला था। और ये जो आगे मंदिर है ना, ये भोलेनाथ का मंदिर है, ये भी तावड़ तोड़ मंदिर है भाई, तावड़ तोड़ है। अगर आने के टाइम में मौका मिलेगा ना, टाइम होगा ना, तो चलेंगे अपन।
तो हम लोग यहाँ से पैदल गए थे पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर। देखो आप कितना अंदर गए थे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे। अबे गाना गाना यार, एकदम टूरिस्ट प्लेस, एकदम भगवान के दर्शन में आई है। गाना गा कुछ और, गाना गा देवी का पता है तो देवी का गाना गा। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ हम तो पूरा ऊपर ले जाएंगे, स्कूटी चलाने का ये फायदा है। चलो बुलावा आया है। और ये हम आ चुके हैं पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर। तो पिछले बार हम लोग जब आए थे तब ये माँ काली का गुफा हम लोग दिखा नहीं पाए थे क्योंकि बंद पड़ा हुआ था नवरात्रि के टाइम में। और चलो आज मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही भयंकर लग रहा था उस बार जब हम लोग आए हुए थे। तो एक्चुअली मैं अंदर में क्या है वो मेरे को भी नहीं मालूम है, क्योंकि पहले भी मैं आ चुका हूँ कईयों बार बट अंदर कभी नहीं किया। तो चलो देखते हैं। ये देखो आप माँ काली जी यहाँ पे। जय माँ काली। और ये बाहर तरफ जाने का रास्ता है, ये अंदर आने का। ऊपर देखो कैमरे भी लगे हुए हैं। और ये माँ काली जी का रास्ता होगा ना, खुला होगा ना। ताला बंद है। चल वो देखो हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें गुफा ने कैद कर लिया हुआ है। जय माँ काली, हमारा रक्षा करना, हमारे साथ रहना। जय माँ काली। यहाँ से आपको ना मेन खूबसूरती आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फोटोस उठाना है तो ये बहुत ही प्यारा जगह है चंडी माता के मंदिर में या पहाड़ में। पिछले बार हम लोग रात में आए थे तो यहाँ पे फोटो नहीं ले पाए थे। ये देखो आप, फाइनली गाइस भालू आ चुका है। चलो भाई दौड़ो, वेट क्या करना है बेबो। अगर प्रैंक हुआ तो, प्रैंक होगा तो क्या करेंगे, बेइज्जती और क्या। देखिए मैं वो इधर पहुंच गया। चलो अब आपको दिखाते हैं भालू, वेल ट्रेन्ड। चलो सुमे अरे बाप रे, चींटी काट रहा है मेरे को भी। कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। जल्दी आ जाओ ना, इधर ही आएगा वो पानी वानी पीने। हड़बड़ाओ मत, आराम से। वो देखो गाइस भालू क्या बैठा हुआ है। गाइस क्या बैठा हुआ है देखो आप।
कोई आराम से, कोई हिलना मत। ये देखो गाइस, ये रोज आते हैं मंदिर के दर्शन में। और ये देखो आप, उधर देखो, हरकतें देखो आप। घर मत आते थे मेहनत तुम मत हो गया नहीं आपने क्या कर ये देखो गाइस, आज दो आए हुए हैं बट बाकी दिन दो से भी ज़्यादा आते हैं। नवरात्रि के टाइम तो आठ आए हुए थे। तो फाइनली अब हो चुका है हमारा पूरा का पूरा दर्शन, चंडी माता का भालू भी आपको दिखा दिए। और अब हम यहाँ पे हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अब हमारे चैनल पे दबा के वीडियो आने वाला है।